रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण को 12 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्होंने हाल ही में अपने पहले बच्चे को बेटी के रूप में जन्म दिया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस समय माता पिता बनने की खुशियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और हाल ही में इस पावर कपल ने पहले बच्चे के रूप में एक बेटी का स्वागत किया है। दीपिका पादुकोण को 7 सितंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पता चला है कि नई मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रणवीर ने कथित तौर पर अपने घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के ग्रैंड वेलकम के लिए स्पेशल तैयारी की है। दीपिका पादुकोण को 12 सितंबर 2024 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज घर जाएंगे। रणवीर सिंह ने जाहिर तौर पर अपनी प्यारी बेटी के लिए खास स्वागत की प्लानिंग की है। कपल अपने बच्चे के लिए नो फोटो पॉलिसी फॉलो करने जा रहे हैं। उन्होंने पैपराजी से रिक्वेस्ट किए कि वो उनकी तस्वीरें ना लें। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने अपनी बेटी के जन्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पर की थी। उन्होंने लिखा था, बेबी गर्ल का स्वागत है। इस पोस्ट पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने प्यार और शुभकामनाएं भेजी। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कृति सेनन, करीना कपूर खान, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, इब्राहिम अली खान, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव और कई अन्य लोगों ने कपल को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। वहीं फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया। दीपिका और रणवीर ने फरवरी 2024 में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। पोस्ट शेयर कर उन्होंने लिखा था कि सितंबर 2024 पोस्ट में बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, गुब्बारे बने हुए थे। अब हाल ही में दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक शानदार मैटरनिटी शूट शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लगातार लग रही अटकलों को शांत किया। महीनों तक कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया और शर्मिंदा भी। कुछ ने उनके बेबी बम को नकली तक कह दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।